लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग ब्रांड न्यू प्राइम बुक। अरे यार गलत बोल, शुरुआत में ही गलत बोल दिया, क्योंकि अभी तक ये प्राइम बुक रिलीज ही नहीं हुआ है। अभी इसका चर्चे चल रहे हैं और इसका वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ना कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, इसका क्या क्या प्राइस होने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाला है और इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया। अब सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा ना उसको और पे प्रेस कर दिया, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपना चैनल में अपलोड करता रहता, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ओएस के अंदर गेम को प्ले करने के लिए हर एक कैपेबिलिटी है, एक ऐसा ओएस का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली आप प्राइम ओएस के नाम लोगे ही लोगे, मैं भी लूँगा। लेकिन अगर वही जगह वही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक खुद का लैपटॉप लॉन्च कर रहा है तो वो लैपटॉप कैसा रहेगा आप सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्राइम ओएस अब अपना खुद का लैपटॉप लॉन्च किया है प्राइम बुक के नाम से। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उतना तगड़ा तो नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठता है। अब यहाँ पे आपका गूगल का क्रोम बुक भी देखने को मिल जाएगा, इसका प्राइस आपको 25-26 हज़ार देखने को मिल जाता है, लेकिन ये इसके भी नीचे मिलेगा। यहाँ तक कि जो जियो का जो क्लाउड पीसी है ना उससे भी कम दाम में मिल सकता। तो आइए बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे पहला जो चीज है, आपको इसके अंदर मिलियंस ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट रहने वाला है, इसके अंदर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 के साथ ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप का क्वालिटी कितना प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलता है। स्लिम और अमेजिंग बिल्ड के साथ ये लैपटॉप आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर्स जो है, इसके अंदर आपको स्पेशल एंड्रॉइड के लिए कीबोर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि विंडोज। अब बात करते हैं दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाला। ARM Cortex A55 क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर रहने वाला, जिसका क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज होने वाला है। और स्क्रीन का अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 11 इंच का HD IPS स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको 4GB LPDDR3 रैम देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टोरेज यहाँ पे आपको 64GB eMMC स्टोरेज देखने को मिलेगा। बैटरी आपको इसके अंदर 5000 mAh का देखने को मिलेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं इसका जो बैटरी है लगभग डे लॉन्ग चल सकता है। अहम चीज दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लास करोगे तो यहाँ पे एक कैमरा का जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन इसका कैमरे के साथ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 2 MP का 30 FPS वाला एक कैमरा देखने को मिलेगा। तो जब ये रिलीज होगा देखते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा होने वाला है। कनेक्टिविटी का बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको वही नॉर्मल सा चीजें, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 2.0 USB सपोर्ट देखने को मिलेगा, माइक्रोएसडी स्लॉट आपको अलग से देखने को मिलेगा, HDMI सपोर्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऑडियो 3.5 mm जैक भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और फाइनली इसके अंदर प्राइम ओएस एंड्रॉइड 11 के साथ आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके अलावा दोस्तों 1 ईयर का वारंटी, जिसको आप चाहे तो 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों प्राइस, इसका प्राइस आपको लगभग 15,000 देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप प्री ऑर्डर पे जाते हो तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि इसका जो प्राइस है 15,000 होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।